Good morning, students. Today we are going to study the fifth chapter of science, and this class is for fifth class. And the name of this chapter is Interdependence in Nature. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि इंटरडिपेंडेंस इन नेचर मीन्स नेचर जो है प्रकृति जो है एक दूसरे पे निर्भर कैसे है. ओके, तो लास्ट क्लास में हम प्लांट्स और एनिमल्स की काफी चीजें पढ़ चुके थे कि प्लांट्स एनिमल्स पे कैसे डिपेंड है और एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड है. आज हम पढ़ेंगे बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एसेंशियल, मीन्स की प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों, देखते हैं. इफ वी रिमूव ऑल द कार्निवोरस फ्रॉम द फूड चेन, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस वुड इंक्रीज. अगर आप क्या करोगे, फूड चेन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आपको सबको बता चुके फूड चेन क्या होता है. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने फूड चेन के बारे में पढ़ा था. तो अगर हम फूड चेन में से सारे कार्निवोरस को हटा देंगे तो ऑफकोर्स ये बात है क्या होगा, हर्बीवोरस की जो संख्या है, हर्बीवोरस की पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगी. देन क्या होगा, इट मीन्स मोर प्लांट्स विल बी ईटन. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हर्बीवोरस ज्यादा हो जाएंगे तो हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, तो मतलब कि प्लांट्स की जो प्लांट्स विल बी ईटन, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होंगे वो ज्यादा मात्रा में खाए जाएंगे बिकॉज हर्बीवोरस बहुत बढ़ जाएंगे. तो प्लांट्स खाने वाले ज्यादा एनिमल्स आ जाएंगे, विच विल लीड टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. जिससे क्या होगा कि प्लांट्स की पॉपुलेशन, प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी हमारे पृथ्वी पे. This will eventually lead to shortage of food as plants are a source of food for all living things. तो इससे एक और चीज क्या होगी कि प्लांट्स की अगर मात्रा कम हो जाएगी तो फिर शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर खाना कहाँ से आता है, सारा का सारा प्लांट से आता है. तो उससे क्या होगा, अगर प्लांट से आता है, प्लांट सारे खत्म हो जाएंगे तो हम फूड कहाँ से खाएंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे, तो इससे बाकी आगे प्रॉब्लम इंक्रीज होते जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है, हेंस इट इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर. इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स का बैलेंस जो है, जो बराबरी है वो मेंटेन करके रखे. ओके, नेक्स्ट है, बैलेंस इन नेचर. अब प्रकृति में हम बैलेंस कैसे देख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं. नेचर मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर. जो नेचर है, प्रकृति है, ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का बैलेंस बना के रखता है, दोनों बराबर हिस्से में रखता है. ठीक है, जितना अबायोटिक है उतना ही बायोटिक रखेगा ताकि दोनों का काम चलते रहे एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज अबायोटिक और बायोटिक दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, इफ दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब इट विल अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. अगर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, अगर दोनों का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया, लाइक कोई ऊपर हो गया कोई नीचे हो गया, दोनों का बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए. ओके, तो अगर कोई ऊपर नीचे हो गया तो उससे क्या होगा, हमारे पृथ्वी पे काफी सारी चीजें अफेक्ट करेगी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी. ह्यूमंस हैव अल्टर्ड द एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन नेचर. तो इससे क्या हो रहा है कि अभी बायोटिक और अबायोटिक में वैसे तो नॉर्मल इम्बैलेंस नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, जो ह्यूमंस है मीन्स हम जो इंसान है, हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट डिसबैलेंस होते जा रहा है, बैलेंस नहीं होते जा रहा. ठीक है, क्योंकि जो हम है क्या करते हैं, अपने फुलफिल करने के, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एनवायरमेंट से काफी सारी चीजें खत्म करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि वैसे ही बहुत सारी चीजें कम होते जा रही है और उससे क्या हो रहा है, फिर बैलेंस बिगड़ता जा रहा है. सो नेक्स्ट है, जैसे कि क्या क्या चीजें करते हैं, देखते हैं. ह्यूमंस मैन इज कटिंग डाउन फॉरेस्ट इन अ लार्ज नंबर टू प्रोक्योर लैंड टू बिल्ड हाउस फैक्ट्रीज एंड रोड. जो मैन है, जो हम इंसान है, वो क्या कर रहे हैं, इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, इतने सारे पेड़ काट रहे हैं. पेड़ क्यों काट रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस लैंड पे, उस जमीन पे वो घर बना सके, वॉल्स बना सके, बिल्डिंग्स बना सके. और वो जमीन से तो पेड़ कट गया तो जमीन का ऐसे इस्तेमाल कर लिया, और जो पेड़ कट गए उनकी लकड़ियों का क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि वुड ऑफ ट्रीज, द वुड ऑफ ट्रीज इज देन यूज टू बिल्ड हाउसेज, फर्नीचर एंड मैनी अदर थिंग्स. और वुड का क्या यूज करते हैं ये लोग, कि होम्स हाउसेस बनाते हैं जो लकड़ियों के घर होते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सोफा वगैरह हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें बनाते हैं. तो लैंड का तो यूज ये लोग, इन लोगों ने कर दिया कि हाँ घर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, एंड वुड्स का यूज ये लोग करते हैं सोफा फर्नीचर बनाने में और घर बनाने में. ओके, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस जो है एनवायरमेंट में, नेचर में इम्बैलेंस करते जा रहे हैं, मीन्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को और खराब करते जा रहे हैं. तो इस चीजों को रोकना बहुत जरूरी है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर एक चीज कम भी होती है या ज्यादा होती है तो हर किसी को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है. ठीक है, सो और यहाँ पर हमने देखा कि नेचर में बैलेंस क्यों होना जरूरी है और जो बैलेंस है कैसे बिगड़ रहा है और किसकी वजह से बिगड़ रहा है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, क्या कह रहा है कि आगे नेचर और कैसे बैलेंस बिगड़ता है, अगर बैलेंस बिगड़ता है तो उसको हमें सुधारना कैसे चाहिए. तब तक आपका होमवर्क है कि इसको आपको रिवाइज करना है. ओके, थैंक यू.